पेप्सी है, रेडबुल मिंट्स, ओह शुगर फ्री, ये है ओह ऑलमंड, न्यू ऑफरिंग्स, ओह प्रीटी ऑसम, कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ है यहाँ, और टीवीसी भी है, ये एक सीनरी है, ये पर्दा है, और ये और क्या बताऊंगा। तो शाम के 5 बज चुके हैं और मैं और अंशिका निकल रहे हैं थोड़ा सा होटल को एक्सप्लोर करते हैं, ताज पैलेस को। तो अभी जाते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट यार, इनका हर एक होटल का कोना बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे कोई रिसेप्शन एरिया हो, या फिर कोई कॉमन एरिया हो, एवरीथिंग इज रियली ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स मास्क तो रिक्वायर्ड है, इसलिए पहनना पड़ेगा यार। But how do you go outside? How do you go towards pool? ये तो नहीं है इधर से, ये जो पीछे ये है कैपिटल किचन, कल हमारा ब्रेकफास्ट होगा यहीं पे। बट खैर अभी तो अभी हम लोग पूल की तरफ जा रहे हैं, मैं और अंशिका। जाहिर सी बात है, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, जो यहाँ पे आए हुए हैं होटल्स में रुकने के लिए वही पूल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब लोग थोड़ा ना घुस सकते हैं। ताज पैलेस का दूसरा दिन, जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक खूबसूरत सुबह हो चुकी है, तो एक खूबसूरत सुबह हो चुकी है यहाँ ताज पैलेस में। ब्रेकफास्ट करने आए हुए हैं, बट आई थिंक इन हाउस सब कुछ फुल है। थोड़ा सा फ्यू मिनट्स वेट करने के लिए बोला है, क्योंकि बाहर बैठने के लिए जगह है बट थोड़ा सा ह्यूमिड होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स दिल्ली और अभी ठंड उतनी स्टार्ट हुई नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई बात नहीं, जो खाना है वही लो, वो ज़्यादा बेटर है। और एक अच्छा सा लोकेशन, हम लोग हैं कैपिटल किचन रेस्टोरेंट में। अब सभी जिस एज अ स्टार्ट कुछ छोटा मोटा लिया है तो बहुत कुछ यहाँ पे खाने पीने के लिए। इनका टी लाउंज, यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट है इस ताज पैलेस में। एक रेस्टोरेंट उधर पे, आई थिंक इट्स अ स्पाइस डक, हम लोगों ने कैपिटल किचन में ब्रेकफास्ट किया था, और जो एंट्री है इस होटल की वो यहाँ से। तो आओ पहले गणेश जी को नमस्कार करो सामने से। There are the big celebrities who have come over here. So, उन्हीं के ये photographs यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं देखने के लिए। तो मैं पता है अंशिका, who does it belong to? There was a guy, Jamshed जी टाटा। बहुत आई थिंक बहुत काफ़ी टाइम से यहाँ पे ही है। बस कितनी फोटोग्राफ्स लोग हैं अंशिका अपनी। इतना तगड़ा ब्रेकफास्ट किया है, पूरा पेट भर के। सो रात के 8 बज चुके हैं और कल हमें चेकआउट करना है ताज पैलेस से, क्योंकि कल हमारा फ्लाइट है लेह के लिए। आज दिल्ली मैंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया, मैं गया था कनॉट प्लेस और मेरे बहुत सारे काम हो गए दिल्ली में। दिल्ली आते हो डोंट मिस इट, सीरियसली दिल्ली आते हो तो आपको कनॉट प्लेस जाओ, आपकी जो शॉपिंग है ना कंप्लीट हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। रीजन बींग इसलिए क्योंकि क्वालिटी का सामान मिलता है और सस्ते में मिलता है, और वही इंडियन प्रेफर करता है, और मैं तो पक्का देसी दिल से इंडियन हूँ भाई। तो अभी हम लोग का क्या खाने का इंतजार कर रहे हैं, अपने खाना ऑर्डर किया है, हमारा प्लान था कि आज
यहाँ ताज में डिनर करेंगे, बट जहाँ पे करना चाहते थे मसाला आर्ट कैफे, वो एक्चुअली टोटली सोल्ड आउट था। तो मैं बोला अच्छा लीव इट फिर, क्योंकि एनीवेज 6000 रुपीज़ लगते, महंगा भी था और रात के खाने के लिए इतना ज़्यादा महंगा देना मेरे को सूट नहीं करता है। तो हम लोग ने बाहर से ऑर्डर किया है खाना, और बाहर से वो खाना आता ही होगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा खाना लेने के लिए। तो जितने भी जोमेटोज और स्विगी डिलीवरी वाले होते हैं ना, उनको आउटसाइड गेट ही उनको स्टॉप कर दिया जाता है। तो बस जाऊँगा और उठा के ले आऊँगा खाना, आप लेके आ सकते हो अपने रूम पे, बट हाँ होटल प्रमाइसेस में आउटसाइड या फिर विद इन द रेस्टोरेंट यू कैन नॉट ईट द आउटसाइड फूड, ठीक है। तो ये बात याद रखना अगर ताजमहल ताज पहले से आते हो तो, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज होती है, हर कोई हर आदमी जो है एक्चुअली हर टाइम यहाँ पे नहीं खाना चाहता बिकॉज ऑफ इट इज़ लिटिल कॉस्टलियर, प्रॉब्ली मच मोर कॉस्टलियर, बट दैट्स फाइन। शाम को पूल पे गए, पूल में गए, मजा आ गया, पिक्चर्स खींचनी थी मुझे, एक अच्छा था फोटो शूट करना था, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बिकॉज ऑफ द पीपल्स प्राइवेसी इट इज़ नॉट अलाउड टू टेक द पिक्चर्स एट दैट टाइम। बट हाँ आफ्टर 9:30, क्योंकि वो पूल जो है क्लोज 10 o'clock क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद क्योंकि वो जो लाइटिंग से वहाँ पे सारा टाइम ऑन रहती है, तो पूल से यार पिक्चर्स जो ना इस पर्टिकुलर होटल का, इस पर्टिकुलर ताज पैलेस का गजब का पिक्चर्स आएगा। मैं आप लोगों ने देखा ना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है रात को, ये यहाँ पे ये ब्लू लाइट्स, ये पूल है, जितने भी रूम्स हैं ना पूल साइड हैं। मैंने भी रिक्वेस्ट किया था बट आई थिंक एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट हियर, और फिर हमें मिला नहीं, बट कोई बात नहीं, अदर साइड भी है बट दे आई थिंक दैट इज़ द रोड फेसिंग। बहुत अच्छा स्टे था और कल मॉर्निंग में चेकआउट करना है हमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ, नई सुबह के साथ, नए लोगों के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा।